हाँ जी, वेलकम टू वेन्यू पाजी। तो आज का ये वेन्यू किसी बैंकेट या वेडिंग लॉन का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप छोटी गैदरिंग की फंक्शंस इजीली कर सकते हो। जी हाँ, इस जगह का नाम है डिस्को दीवाने, जो कि है तिलक नगर मेन मार्केट में। तो मैं पहले आपको लोकेशन समझाऊंगा, फिर उसके बाद देखेंगे इसका कैसा है व्यू, कितने लोगों की हो सकती है गैदरिंग। तो ये जो सामने है, ये है मॉल रोड तिलक नगर। इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ। ये जो है तिलक नगर का पार्क है, ये डिस्को दीवाने, और ये जो सामने ट्रांसफार्मर है, इसके राइट में विशाल मेगा मार्ट है, और ये सामने तिलक नगर का फ्लाईओवर। चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है व्यू, लेट्स गो। यहाँ पे कितने लोगों की हो सकती है गैदरिंग और क्या है यहाँ के प्राइस रेंज। हेलो मैम। मैम पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सुगंधा है और मैं डिस्को दीवाने की मैनेजर हूँ। ओके, सो मैम यहाँ पे कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है? सर ये अराउंड दो फ्लोर है, तो 120 अप्रॉक्स पैक्स की यहाँ पे गैदरिंग हो सकती है। ओके, और एक फ्लोर पे? एक फ्लोर पे 45 प्लस है सर। 45 प्लस। तो यहाँ पे कौन कौन से मेन्यूज हैं? सर यहाँ पे बफे सिस्टम पे है और फाइन डाइन का भी है कॉन्सेप्ट। okay. है, और हम बफे सिस्टम में भी कोशिश करते हैं कि कस्टमर को फाइन डाइन का ही मज़ा मिले। हम खुद सर्व करवाते हैं, जो एक वो फैमिली फील होता है, उन्हें फैमिली फील आता है।
तो अप्रॉक्स हमने डेढ़ महीने में हमने बहुत सारी पार्टियाँ करवाई हैं यहाँ पे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे आप मेन्यू का थोड़ा प्राइस बताइए, वेज का कितना है और नॉन वेज का कितना है। सर मैं आपको बफे के प्राइस बता देती हूँ और उनमें क्या क्या आइटम्स हम पैक्स को देते हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको समझा देती हूँ। सर हमारा जो वेज बफे है वो 700 पर हेड है, ठीक है, और नॉन वेज बफे है उसमें 900 पर हेड। ओके ठीक है सर, जिसमें हम उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स एंड वर्जन मोजिटो देते हैं वो अनलिमिटेड है, किसी भी तरह के दो सूप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नूडल्स में कोई भी एक तरह के, ठीक है, प्लस चाइनीज़ में हम उन्हें चार आइटम देते हैं। जैसे कि वो वेज है, वेज में तो सर वो चार वेज चुनेगा और नॉन वेज में वो अपनी चॉइस के चुन सकता है, वेज भी चुन सकता है और नॉन वेज भी, चाहे तो वो 2+2 कर ले या 3+1 कर ले या 4+4 नॉन वेज कर ले, ठीक है। उसी तरह तंदूर के आइटम में सर हम कोई भी दो आइटम वो सिलेक्ट कर सकता है, हमारे पास बहुत सारे वैरायटी है जिसमें से वो आपको एक सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है आपकी चॉइस का, आपके गेस्ट का क्या चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस ये सब्जियों का मेला है, इसमें आप किसी भी तरह के तीन सब्जी आप वो कर सकते हो, जैसे दाल मखनी है, ये पूरी एक लिस्ट है, इनमें कोई भी तीन वैरायटी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेन नॉन वेज में हम इंडियन मेन कोर्स दो तरह की, आप कोई भी, चाहे आप चिकन चुनो चाहे मटन चुनो, वो हमें कोई वो नहीं है, आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस इंडियन ब्रेड्स में है, इनमें आप तीन तरह की, चार तरह की, इवन पांच तरह की भी रोटियां चुन सकते हो, रोटियां कभी भी आपको ठंडी नहीं मिलेगी, हम ऑन द स्पॉट सर्विस देते हैं। उसी तरह बिरयानी है, बिरयानी में भी एक तरह का है, डेजर्ट सर आप चॉइस कर सकते हो, गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन, आइसक्रीम तो आइसक्रीम, इवन हम गाजर का हलवा भी प्रोवाइड करते हैं, बट क्या है जब हमारी गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया 90, 100 इनकी गैदरिंग होगी तो हम गाजर का हलवा भी प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद ये पापड़ है, पापड़ में भी हमारे पास चार तरह के पापड़ हैं, जैसे कि प्लेन पापड़ है, मसाला पापड़ है, पीनट मसाला है और चना मसाला है, ठीक है। उसके बाद रायता, ये पूरा एक टोटल हम 700 और 900 के कॉन्सेप्ट में देते हैं, ठीक है। तो ये लंच और डिनर दोनों का सेम रेट है या कुछ अलग है? सेम रेट है, चाहे दिन का हो चाहे रात का हो। एक्चुअली में ये अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है तो हमने कोई अभी ऐसा ना करके कर रखा है। और ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है? यस सर। सर वैसे बफे में कहीं टैक्स नहीं होता है। ओके ठीक है। अच्छा तो ये मैं जैसे देख पा रहा था यहाँ पे डीजे का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये डीजे के कुछ अलग चार्जेस हैं या इंक्लूडेड है? सर जैसे कि ना यहाँ पे डीजे का जो कॉन्सेप्ट है, मेनली जो जैसे पैक्स होते हैं उनको लाइट म्यूजिक चाहिए तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, वो लाइट म्यूजिक हमारे यहाँ पे 24 आवर्स जब तक हमारा ये ओपन रहता है वो लाइट म्यूजिक चलता रहता है। बट जैसे किसी को डीजे स्पेशली डीजे चाहिए तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं उसके, वो हम डीजे भी बुला देते हैं। ओके थैंक यू।